हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सोनीज कॉर्नर. और मैं हूँ सोनी. फ्रेंड्स, जैसे आज आप देख ही रहे हो, आज हम चना दाल नमकीन बनाने वाले हैं. और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और उसके लिए हमें चने की दाल लेनी पड़ेगी. और ये देखिए, ये मैंने भिगोकर चने की दाल रखी थी रात को. तो आपको क्या करना है, एक बड़ी कटोरी है ये चने की दाल. बड़ी कटोरी चने की दाल को मैंने लिया, उसको अच्छे से धोया और ज़्यादा पानी में उसे भिगो कर रखना है. और जिस पानी में हमें भिगोना है उसमें हाफ टी स्पून सोडा, मीठा सोडा जो होता है ना, मीठा सोडा उसमें ऐड करना है. और मिक्स करके ढककर रात को हमें रख देना है. तो हमें मॉर्निंग में सोडे वाला पानी को पूरा निकाल देना है, और फिर अच्छे से ये दाल को अच्छे से हमें फिर वॉश करना है. अच्छे से वॉश करने के बाद एक टॉवल के ऊपर हमें दाल को फैलाकर रख देना है, और उसे थोड़ी देर सूखने देना है. पानी को हमें ड्राई आउट करना है. तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई आउट कर दी है. ये टॉवल के ऊपर मैंने फैला दी थी, तो ये सारा उसका मॉइस्चर जो है वो टॉवल से जज्ब हो जाएगा, और वो हमारे पास ये ड्राई दाल ऐसी आ जाएगी. तो अभी हम इसको फ्राई करने का प्रोसेस करेंगे. तो आपको रात में जब भिगो के रखना है तो उसमें मीठा सोडा ज़रूर डालना है. उससे आपकी दाल जो है वो कड़क नहीं बनेगी, तो वो ज़रूरी स्टेप है. और सुबह आपको वो पानी फेंक कर अच्छे से धोकर फिर फ्राई करनी है सुखा कर. बस इतना सा प्रोसेस है दाल को फ्राई करने का. तो अभी हम चना दाल नमकीन बनाते हैं. तो ये तो हो गया फ्राई करने के पहले का प्रोसेस. तो अभी हम इसमें जो मसाले डालने हैं तो वो मिक्स करते हैं. तो मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक लेना पड़ेगा. ये सादा नमक है. हाफ टी स्पून हमने काला नमक लेना है. हाफ टी स्पून हमें रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ये अमचूर पाउडर, और हाफ टी स्पून ये हमारा भुना हुआ जीरा है, ये लेना है. और इन सबको मिक्स कर देना है. और ये मसाला हो गया हमारा फ्राई करने के बाद उस पर हम मिक्स जो करेंगे. तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाने के बाद हमें अभी फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है. उसके लिए हमें रिफाइंड ऑयल लेना पड़ेगा, और डीप फ्राई हमें करना है. तो उसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है. ये हम ऐसे ऊपर हाथ रखेंगे तो हीट हमें फील होगी, और ये थोड़ा धुआं भी निकलेगा. हमें अच्छे से गर्म करना है ऑयल. जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें दाल का डालेंगे. तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम दाल डालते हैं, और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें तलना होगा. तो ये धीरे धीरे करके ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, और लाइट होकर ये ऊपर आ जाएगी, तब हम इसको निकालेंगे. हल्के से हम हिला देते हैं.
और ये अपने आप हल्की होकर ऊपर आ जाएगी, तब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए पेन, ये दाल जो है वो ऊपर आ गई है, बस इसे अब हम निकाल देंगे। ये देखिए हमारी दाल फ्राई हो गई है, अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। इसे हम धीरे धीरे करके निकालेंगे और यहाँ हमने बर्तन के ऊपर छन्नी रखी हुई है, ये छन्नी के ऊपर हम इसे डालते जाएंगे ताकि जो अगर एक्सेस ऑयल है वो छन्नी से होकर नीचे बर्तन में आ जाए। ऐसे करते हुए हमें पूरी दाल जो है वो निकाल लेनी है। ये सारा प्रोसेस हमें हाई पे करना है और तलने के लिए कोई भी दाल इस तरह की हम नमकीन बनाए तो उसे हम हाई फ्लेम पर ही तलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने निकाल ली है, अभी नेक्स्ट बैच डालते हैं। इसको हमें स्लो नहीं करना, फ्लेम को हाई फ्लेम पे ही हमें तलना होगा और ये अपने आप लाइट वेट होकर ऊपर आ जाएगी, जब रेडी होगी तो ये ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से हमें सारी दाल को फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसकी झाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ये लाइट वेट होकर ऊपर आ जाएगी। इसको हमें देखिए छन्नी छन्नी में निकाल लेना है और फिर टिश्यू पेपर के ऊपर डालते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइट वेट होकर ऊपर आ गई है, दाल फ्राई हो गई है। अभी हम इसको निकालेंगे और छन्नी के ऊपर डालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो बर्तन में चला जाए। छन्नी के ऊपर हम पूरी दाल को निकाल देंगे। तो ये देखिए एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे आ जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। इसके ऊपर हमने जाली के ऊपर डाल दी थी और जो ये देखिए एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे आ जाता है और इससे पूरा ऑयल जो है वो निकल जाएगा और इसके बाद हमें टिश्यू पेपर पर ये दाल को डाल देना है। और अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल फ्राई हो गई है, अभी हम दाल को निकाल कर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसको हम दूसरे बर्तन में
शिफ्ट कर देते हैं और ये देखिए ये हम दूसरे बर्तन में हमने दाल को शिफ्ट कर दिया। अभी हम जो मसाला हमने पहले रेडी किया था वो लेकर हमें जितनी स्पाइसी और जितना हमें नमक चाहिए उतना मिक्सचर मसाले का इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आपको जितनी स्पाइसी चाहिए उतने आप मिर्ची ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से मसाले को कम स्पाइसी या ज़्यादा स्पाइसी करना चाहो तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये हमारा दाल फ्राई, ये दाल का नमकीन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बना है। ये देखिए, ये आपको आवाज़ से पता चलता होगा, ये बहुत क्रिस्पी है और बहुत साथ में बहुत सॉफ्ट भी बना है। तो बहुत ही अच्छा है हमारा ये नमकीन और बहुत इजी है इसे बनाना। और इसमें आप फ्लेवर पुदीने का ऐड करना चाहो तो आप पुदीने के पत्तों को ड्राई करके वो भी इसमें मिक्स करके डाल सकते हो तो इसमें पुदीने का फ्लेवर आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही आप कुछ भी इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हो अपने पसंद का। तो मुझे उम्मीद है आपको दाल मिक्सचर जो है हमने बनाया, दाल फ्राई, चने की दाल को फ्राई करके नमकीन जो बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।